सत श्री अकाल, हरजीत की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मैगी से क्रिस्पी सा स्नैक्स। तो ये देखिए, आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। स्वाद तो इसका बेमिसाल है, बच्चे बड़े सभी खुश होकर खा लेते हैं। तो फिर देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैगी से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने मैगी बनानी है। तो इसके लिए ये मैंने कढ़ाई ले ली है, आप कोई कढ़ाई या हैवी बॉटम का पतीला ले लेना। इसमें डालना है हमने ऑयल, तो ऑयल मैंने डाला है 1 बड़ी चम्मच। अब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। 1 प्याज को मैंने बारीक काट कर लिया है। प्याज को हमने बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। अब प्याज सौते हो गया है ना, तो इसमें हम डाल लेंगे थोड़ी सी गाजर। तो गाजर मैंने 2 चम्मच के करीब ली है, छोटी छोटी काट कर ली है। और 2 चम्मच के करीब ही मैंने कैप्सिकम को भी छोटा छोटा काट कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने इस समय मीडियम रखना है। तो वेजीज अगर आप इसमें नहीं मिलाना चाहते हो तो आप स्किप कर देना, बिना सब्जियों के भी मैगी बहुत अच्छी बन जाती है। अब सब्जियां भी थोड़ी सी सौते हो गई हैं, तो बाकी तो ये मैगी के साथ गल जाएंगी। तो इस समय इसमें मैं मिला रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्च। बच्चों के लिए बनाएं तो इसमें आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हो। अब इसमें हमने मिलाने हैं मसाले। तो सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक कम ही डालना है क्योंकि इसके टेस्ट मेकर में भी नमक होता है। तो अब मैं मिला रही इसमें 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ना हो तो आप रेड चिली पाउडर मिला लेना। और साथ में इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून ओरिगैनो। ओरिगैनो या फिर आप मिक्स हर्ब भी मिला सकते हो, जो दोनों में से हो मिला लेना आप इसमें। थोड़ा सा मैं मिला रही हूँ हल्दी का पाउडर, इसको मैं इटालियन फ्लेवर में बना रही हूँ। अब सभी मसाले हो गए हैं मिक्स, तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। 2 मेजरिंग वाले कप से नाप कर मैंने पानी डाला है क्योंकि मैं 2 मैगी बना रही हूँ। पानी में बॉईल आ गया है तो अब इसमें मिला लेंगे हम मैगी। तो ये मैंने 2 पीस आटा मैगी के लिए हैं, तो ये थोड़ी टूटी हुई है तो इसमें डाल देंगे। मैगी आप कोई भी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो वो मैगी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। तो अब इसमें मिला लेते हैं सॉस। तो इसमें मैं मिला रही हूँ 2 टीस्पून टोमेटो सॉस और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। इनको आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी मिला सकते हो। अब सॉस भी हो गई है मिक्स। तो मैगी को हम बिना कवर किए हुए बनाएंगे क्योंकि हमने इसे ड्राई करना है। तो गैस की फ्लेम को आपने सिम नहीं करना, यानी लो नहीं करना है, मीडियम रखना है, जिससे कि मैगी का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और मैगी भी गल जाएगी। अब इसमें मिला लेंगे टेस्ट मेकर। ये मैगी के पैकेट में ही निकलते हैं, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब देखिए मैगी जो है वो गल चुकी है और पानी भी काफ़ी ड्राई हो गया, हल्का सा ही बच गया है। तो इस समय मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करके। तो चीज़ आप जितनी मिलाना चाहे मिला सकते हो, कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, या फिर बिना चीज़ के भी बना सकते हो। चीज़ को डालते ही गैस को बंद कर देना है और अच्छी तरह से मिला लेना है। अब लास्ट में इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। और अब ये हमारी मैगी हो गई है तैयार। ये देखिए बहुत ही अच्छी बन गई है। अगर आप इसे ऐसे ही खाएंगे तो ऐसे भी बहुत टेस्टी बनी है। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तब इससे हम स्नैक्स बनाना शुरू करेंगे। अब ये मैंने ले लिए हैं 6 पीस वाइट ब्रेड के। इसके हम एजेस काट लेंगे, तो एक नाइफ से इसके एजेस काट लेंगे। और ये जो एजेस बचे हैं ना उसको फेंकेंगे नहीं, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हो क्योंकि ये बहुत सारी रेसिपीज में यूज़ हो जाते हैं। अब ब्रेड्स हो गई है तैयार, तो इसे अभी मैंने साइड में रख दिया है। तो मैगी ठंडी हो गई है, तो इससे स्नैक्स बनाने के लिए छोटे छोटे से हम बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी मैगी हाथ में लेंगे और गोल गोल से पेड़े की तरह बना लेंगे। तो बहुत बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने इसे ब्रेड में अंदर फिल करना है, तो इस हिसाब से बना लेंगे। तो इतनी मैगी से आपके 8-9 पीस आराम से बन जाएंगे। तो अभी मैं 6 बॉल्स ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने 6 पीस ब्रेड के लिए हैं। अब ये मैंने एक बॉल में ले लिया है पानी, ब्रेड ले लिए और साथ में मैगी बॉल्स ले लिए हैं। अब स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। अब एक एक ब्रेड पीस को उठाकर पानी में डिप करेंगे,
हल्का सा ही करना है, ज़्यादा कर दिया तो फिर वहीं पर ये गल कर टूट जाएगी ब्रेड। तो इसे अब हाथ से, दोनों हाथ से इस तरह से दबा देंगे जिससे कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अब इसके ऊपर रखेंगे एक मैगी की बॉल और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ब्रेड से मैगी बॉल को कवर कर देंगे, बड़े आराम से हो जाएगी। ब्रेड अभी गीली है तो बड़े आराम से शेप ले लेगी। अगर कहीं से थोड़ी सी फट भी जाती है तो आराम से इस तरह से देखें ठीक किया जा सकता है इसको। तो ये एक बॉल तैयार हो गई है, इस तरह से हम 6 पीस तैयार कर लेंगे। अब ये तैयार हो गए हैं तो इनको करना है फ्राई। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल गर्म कर लिया है, इसको आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। अब ऑयल तो गर्म हो चुका है, इसमें एक एक मैगी रोल डालेंगे और गैस की फ्लेम को आपने मीडियम और हाई मीडियम के बीच में करते रहना है। इसको ऑयल गर्म में ही फ्राई करना है, अगर ऑयल कम गर्म होगा तो जो ब्रेड है बहुत ज़्यादा ऑयल को सोख लेगी। इसको आराम आराम से पलट लेंगे, देखें इस तरह से आराम से पलटा जा सकता है घुमा घुमा कर, तो ये आराम से इस तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो अगर आपको दिक्कत लगे तो इस तरह की टोंग हो तो उससे भी आराम से आप इसको पलट सकते हैं। इसको हमने करना है गोल्डन फ्राई। मैगी रोल तैयार हो गए हैं, मैंने इनको निकाल लिया है। ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। अब ये मैगी रोल बनकर तैयार हो गए हैं, तो एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। ये देखें कितने अच्छे बने, बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी से बनते हैं, खाने में सभी को पसंद आते हैं। आप चाहे ब्रेकफास्ट में बनाएं, चाहे शाम को चाय के साथ बनाएं। अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और इसमें खाने तो ये और भी अच्छे लगते हैं। इसको आप चाहे तो सॉस के साथ सर्व करें या किसी डिप के साथ सर्व कर सकते हो। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी आई हो पसंद तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।